दिल्ली से शुरू होने वाली गंगा मशाल यात्रा बुधवार को 11 बजे फरुखाबाद के पांचाल घाट पर पहुंची। मेजर एलएन जोशी के नेतृत्व में दिल्ली से उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू होने वाली गंगा मशाल यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पांचाल घाट पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ऋषिकेश से आई गंगा मशाल यात्रा का फरुखाबाद पांचाल घाट पर विधायक डीएफओ ने स्वागत किया। इस दौरान पांचाल घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अमृतपुर विधायक ने कहा, गंगा मशाल यात्रा का उद्देश्य जन सामान्य को गंगा की पवित्रता, स्वच्छता, उसके महत्व के प्रति जागरूक करना है। मेजर एलएन जोशी ने गंगा भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से देश में अपना महत्वपूर्ण रखती है। उन्होंने कहा, इससे पवित्र, स्वच्छ और निर्मल रखना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागी विजेताओं को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए गए। मेजर एलएन जोशी ने जन सामान्य को गंगा की पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता को बनाए रखने में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सर, जो मशाल यात्रा लेके आए हैं सर, इसका क्या मूल उद्देश्य है और कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी? देखिए, मशाल यात्रा 3 तारीख को दिल्ली से फ्लैग ऑफ हुई थी, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके तहत। इसके लिए पहला पड़ाव हमने उत्तराखंड में लिया था, ऋषिकेश में। तो ये 5 स्टेट्स जहाँ जहाँ से गंगा बहती हुई जाती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हम इन पूरे 5 स्टेट्स में 23 जगह ऐसी हैं जो हमने एयरमार्क की हुई है, जहाँ पर हम लोग रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे और जागृत करने की कोशिश करेंगे। और इसका कल्मिनेशन जो होगा वो गंगा सागर में होगा, जहाँ पर कि गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसका जो हमारा उद्देश्य है, बेसिकली लोगों के दिलों में जन जागरण को फिर से पैदा करना है, जन जागरण को फिर से बढ़ावा देना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जिसके दिल में गंगा की सफाई का भाव है, कुछ छुप गया है, या जिसके दिल में नहीं है, उन दोनों के दिलों में हमें गंगा की सफाई के भाव को जागृत करना है। कि मशाल का उद्देश्य यही है कि जैसे मशाल की लौ जल रही है, उसी तरीके से हम लोगों के दिलों में इसकी सफाई और इससे जुड़े हुए बाकी कार्यों के लिए जागरूकता पैदा कर सकें। सर, कितने लोग अपनी टीम में हैं और कौन कौन के माध्यम से इस यात्रा को तय किया जा रहा है? देखिए, हमारी टीम 2 भागों में है। एक टीम हमारी ऑलरेडी एक पड़ाव आगे पहुंच जाती है और दूसरी टीम मेन यात्रा के साथ यहाँ पे आती है। इसमें हम टोटल 22 लोग हैं। इसके अलावा बाकी जो आपने माध्यम पूछे, हम बेसिकली तो हम रोड के माध्यम से ही जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे रुक के हमारा काम है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग मिल सकें, जितना उन लोगों के साथ बातचीत करके जागरूकता पैदा कर सकें, उतना ही हमारी इस यात्रा की सफलता के लिए बेहतर। रिपोर्ट, तेजस, खबर।